Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatma aapko apne Shahi kitchen mein karti hu welcome. Aaj mere kitchen mein ban rahi hai Punjabi curry aur ye curry 25 se 30 logon ke liye. To aaiye main jo ingredients chahiye unko note down kar lete hain. Sabse pehle mere paas hai ye 2 dahi pyaaz. Inko maine roughly chop kar liye. Ye hai 1/2 kilo besan, 1 kilo dahi. Ye mere paas lassi hai. ये चार ग्लास लस्सी है जो मैंने दो दिन पहले बना के फ्रिज में रख दी थी. ये मेरे पास ऑयल है, हरी मिर्ची की पेस्ट है, सूखा धनिया है साबुत मोटा मोटा कूट लिया मैंने, एक चम्मच जीरे का है, एक चम्मच अनारदाना और इसी तरह ये मेरे पास साबुत लाल मिर्ची है जिसको मैंने हल्की सी चोट लगा के कूट लिया है, 3 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, उसके साथ 1 चम्मच हल्दी का है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच मेरा होममेड चाट मसाला है, 1 किलो दही. तो आइए शुरू करते हैं अपनी कढ़ी को. सबसे पहले हम दही डालेंगे, उसके बाद हम लस्सी को डालेंगे और सबसे पहले इन चीज़ों को हम करेंगे भी. हम लस्सी और दही के मिक्सर को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से. इसको एग्जाम करेंगे, आप चाहो तो उसको ब्लेंडर में भी कर सकते हो. हम इसमें बेसन डालेंगे, ये बेसन मैंने दो दफ़ा छान ली है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे. अच्छी तरह से इसको करेंगे हमें डालेंगे अपने प्याज जैसे प्याज तो उसको सॉफ्ट होंगे हम तमाम मसाले डालेंगे और डालेंगे सूखा धनिया और जीरा और ये अनारदाना है उसके साथ वो रेड मिर्ची जो मैंने कोट के रखी थी. फिलहाल अब मान लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची की पेस्ट, थोड़ा सा भूनेंगे ना हमारा भून चुका और इसको अपना बेसन दही और लस्सी का बैटर डालेंगे. इसमें इसको तेज आंच पे डालेंगे एक दफ़ा और फिर इसको पकने को छोड़ देंगे. एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई वो है इमली का फल, तो हम उसमें अभी ऐड नहीं करेंगे. जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो पका लेंगे. कढ़ी हमारी जो है वो पकने के पास पास पहुंच चुकी है. देखिए इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है और ये थिक भी हो रही है, लेकिन अभी हम इसको और बनाएंगे सॉरी पकाएंगे. पहले जो हमने इंग्रेडिएंट्स आपको बताई थी वो कढ़ी की थी और अभी ये पकौड़ों की है. पकौड़ों के लिए भी मैंने लिया है 1/2 किलो बेसन, के साथ मेरे पास है ये 3 डली प्याज है, 2 आलू हैं और थोड़ा सा हरा धनिया. इसको हम अपने बाउल में डालेंगे. इसके साथ ये है सूखा धनिया, ये 1 चम्मच है, ये 1 चम्मच जीरा है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, इसमें डाल देंगे. ये सूखी मेथी है मेरे पास तो ये मैं 2 चम्मच के करीब डालूंगी. ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कह सकते हैं आप, वो डालेंगे हम इसके अंदर. इसके साथ हम डालेंगे इसमें एक चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच मिर्ची का डालेंगे
एक चम्मच में इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जरूरत के मुताबिक मैं पानी लूंगी। इसमें पानी डाला, हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने बेसन में तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं इसको अभी 10-15 मिनट की रेस्ट दूंगी ताकि इसको सोडा और मसाले जो हैं सब अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो 10-15 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे इसका लुक और इसकी कंसिस्टेंसी। हमारा बेसन 10 मिनट के बाद देखें बिल्कुल मिक्स हो गया है। अच्छी तरह से इसमें सारे मसाले और सोडा भी लग चुका है। अब हम अपने पकौड़े जो है फ्राई करेंगे। गर्म हो चुका है, इसको मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी क्योंकि इस तरह से पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और ऊपर से कच्चे रह जाएंगे। पकौड़े जो है फ्राई हो रहे हैं हमारे, बस इनको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं। और बिल्कुल तैयारी के मराही में पकौड़ों का एक बैच मैंने इसमें डाल दिए। अब हम डालेंगे दूसरा पकौड़े साथ साथ। इसको 5-10 मिनट लगेंगे ताकि पकौड़े भी करी के साथ अच्छी तरह से पक जाए। हिलाएंगे इसको हल्की आँच पर 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। तो कड़ी हमारी हो गई है तैयार। अब इसको मैं फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी सूखी मेथी। यार इस ओवर जो मैंने इसमें डाली है सूखी मेथी, अब मैं थोड़ी सी और डालूंगी और साथ ही गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मैंने पहले यूज़ नहीं किया था, अब यूज़ करूँगी ताकि इसकी रंगत जो है वो ख़राब ना हो। और हो गई रेडी और मैं इसको करूँगी डिश आउट। कड़ी की फाइनल लुक, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं ये कड़ी 25-30 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं सारी तो डिश आउट नहीं कर सकती, तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक बाउल में इसको डिश आउट किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।